क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मुंब्रा पुलिस की NDPS टीम ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार, एक नाइजेरियन और एक मुंब्रा की स्थानीय महिला भी शामिल। रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की लोकल NDPS टीम द्वारा 160 ग्राम MD समेत मुंब्रा की एक महिला और एक नाइजेरियन को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ NDPS की इस टीम ने कुछ ही दिन पहले 3 लोगों को 58 ग्राम MD समेत गिरफ्तार किया था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 20 दिसंबर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें इस पूरी कार्रवाई की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंधले ने दी। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादाहरी चौरे, पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शेवाले और लोकल NDPS टीम के मुखिया PSI हर्षद काले और उनकी टीम, ये सभी मौजूद थे। आपको बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी जो 58 ग्राम MD के साथ हुई थी, फिरोज खान, सैयद नसीम अली, हिदायत अंसारी, ऐसे वो 3 लोग थे। वहीं अब मुंब्रा पुलिस ने, ये NDPS की जो लोकल टीम है PSI हर्षद काले की, इन्होंने 3 अलग लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाइजेरियन है। ये नाइजेरियन नवी मुंबई में रहता है और यहाँ मुंब्रा में ड्रग्स बेचने वाले, खास करके MD जो है मेफेड्रोन, उसकी ड्रग्स बेचने वाले लोकल पेडलर को उसकी सप्लाई किया करता था। इसका नाम है इजोबियालो उगोचिक सुंडे, इसकी उम्र 33 वर्ष है। वही मुंब्रा की एक स्थानीय महिला, आनंद कोलीवाड़ा की एक इमारत में रहने वाली शमा हसन सैयद, उम्र 37 वर्ष, इसको भी मुंब्रा पुलिस की NDPS टीम ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से, नाइजेरियन इजोबियालो सुंडे के पास से 100 ग्राम MD और स्थानीय महिला शमा हसन सैयद के पास से 60 ग्राम MD, ऐसी 160 ग्राम MD जिसकी बाजार में कीमत 16 लाख रुपए बताई जाती है, इसके समेत इन दोनों को गिरफ्तार किया है। तीसरे एक और संदिग्ध युवक को मुंब्रा पुलिस की NDPS टीम ने गिरफ्तार किया, अरशद खान, जबकि उसके पास कोई नशे की चीज बरामद नहीं हुई है और उसको भी जो है कोर्ट में खड़े करने के बाद इन तीनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड जो है कोर्ट ने दी हुई है। इस संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसमें क्या जानकारी दी है सहायक आयुक्त वेंकट आंधले ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, ड्रग्स के बारे में मुहिम चल रही है, आपको मालूम है, आपके यहाँ के PI सीनियर PI चौरे साहब और क्राइम के PI दोनों मिलके, शेवाले साहब दोनों मिलके मुहिम चला रहे हैं और उनको हेल्प के लिए हमारे API बोर्से है और PSI काले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला एक पत्रकार परिषद हो गई थी, उसके भी 50 लाख का ड्रग्स पकड़ा था। अभी गए हफ्ते में 2 रेड हुई है, उसमें एक में 12 को हुई है और दूसरी है वो 18-12 को हुई है। दोनों में दोनों मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है और उसमें अभी तक 6 आरोपी को पकड़ा है और आरोपी बढ़ने की शक्यता है। जैसे आरोपी के बारे में मालूम मिलेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें भी एक नाइजेरियन है, उसका नाम इजो बोलिया सुंडे, इसके पहले जो था सुंडे बोल के उसका जैसा सेम ही नाम आ रहा है, उसको भी अरेस्ट किया है। PCR में है लोग सब। बाकी 3 आरोपी है इसके साथ में, सुंडे के साथ में, उनके नाम है, देखो जो 12 तारीख का है, नहीं 12 इसमें है, हाँ, इजो बोयालो उगे चिकू सुंडे 33 साल का है, शमा अमन सैयद ये एक लेडी है और तीसरा है अरशद करार खान 25 साल का है, वो भी यहाँ का थाने का मुंब्रा का ही रहने वाला है। तीनों को 18 तारीख को अरेस्ट किया है। जैसा मालूम मिला था कि कोई ड्रग्स लेके यहाँ पर आ रहा है, तो जैसा ही आ गया तो उसको पकड़ लिया, जो लेने वाले था उसको, लेडी है उसको भी अरेस्ट किया है, जो देने वाला था नाइजेरियन उसको भी अरेस्ट किया है और अभी तक मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है। सर, ये ड्रग्स पेडलिंग और ड्रग्स सप्लाई नाइजेरियन से लेकर के मुंब्रा के लोकल, यस, तो इसमें शमा अमन सैयद जो महिला पकड़ी गई है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है सर? नहीं, वो तो ड्रग्स लेके उससे बेचती है। पहले के कोई उसके खिलाफ कोई NDPS का अपराध दर्ज है या
नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन मालूम लिए जाएगी कोई ड्रग्स के केसेस उसके ऊपर है क्या, तो अभी तक तो कुछ उसके ऊपर हमारे पास नहीं है। मुमरा में, ये मुमरा में रहती है शमा सिल्वर आर्य, तीसरा माला TMC हॉस्पिटल पाटी मागे कोळीवाड़ा मुमरा ठाणे। हाँ, यस सर, आप लोग जब से ये एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग चला रहे हैं तब से अब तक कितने आरोपी अरेस्ट कर चुके होंगे और कितने का माल अंदाजन पकड़ चुके होंगे? देखो अभी तक मैं फिगर, करेक्ट फिगर तो आप मेरे नहीं देता हूँ, लेकिन 14 से 15 आरोपी को अभी तक हमने अरेस्ट किया है, 14 से 15, एक एक कम ज्यादा हो सकता है, और दो उसमें दो नाइजेरियन है, तीन नाइजेरियन। अभी तक तो पहला ये पूरा मिला के बोल रहे क्या? तो पहला 55 का था, अभी तक मेरे ख्याल से एक करोड़ तक गया होगा, 1 करोड़ से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, 16 आरोपी है। देखो उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसा मालूम मिलेगी कि कोई उसको, देखो नाइजेरियन को कौन दे रहा था उसके बारे में मालूम ली जाएगी, लेकिन जो मुमरा में जो आ रहा था वो नाइजेरियन लेके आ रहा था, जैसा ही कोई भी रहेगा, देने वाला रहेगा या लेने वाला रहेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।